तो आज से आप लोगों का नहीं फटेगा। साले तू। अरे क्वालिटी बे। तो कुछ और ही समझ रहा। तो इस वीडियो में आज हम सिखाएंगे कैसे कलर ग्रेडिंग करके नेचुरल तरीके से 4K में कन्वर्ट करना है, एंड उसके बाद वीडियो को एनहेंस करके भी दिखाएंगे। अभी वीडियो एनहेंस का नाम सुनकर आपका मन में आ रहा होगा कि विंक रिमिनी या फिर वीमैक होगा, पर ना ना ना। इस वीडियो में आज ऐसी एक एप्लीकेशन के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम सुनकर आपका मुँह से एक ही हो जाएगा। ये बात बे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एंड हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। सिंपली आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, एंड ओपन करने के बाद चले जाना है एडजस्ट में। एंड यहाँ पर जाने के बाद जो यहाँ पर सिचुएशन वगैरह रहेगा उसको आपको अपना वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एंड ये हर एक किसी को आता है यार, बट फिर भी अगर आप लोग नो हो तो देख लेना। अबे साले। तो यहाँ पर अपना वीडियो को सिनेमेटिक वे में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अगर अपना वीडियो में एक्सपोजर ज्यादा रहेगा तो उसको आपको पहले कम कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जो सिचुएशन रहेगा उसको आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है। तो सिनेमेटिक कलर ग्रेडिंग करने के लिए वीडियो को थोड़ा सा कूलनेस करना पड़ेगा, ठीक है? आई मीन कूल होगा तो अच्छा दिखाई देगा। सब क्या देखना पड़ रहा है। उसके बाद आपको चले जाना है एसीसीएल में। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा कि ग्रीन वगैरह को पूरा एकदम माइनस कर दो, इससे क्या होगा कि अच्छा नहीं लगेगा, छापरी की तरह दिखेगा। बात तो सही है। तो अगर आप लोगों को माइनस करना ही है तो थोड़ा सा माइनस करो, देन जो येलो कलर रहेगा उसको भी थोड़ा सा माइनस करना। देन चले जाना ग्राफ्स में। एंड ग्राफ्स में आने के बाद आपको यहाँ पर तीन और पॉइंट को ऐड करना है, ठीक है? जो यहाँ पर कॉर्नर रहेगा उस कॉर्नर पे। एंड अगर आप लोग ग्राफ्स में बिगिनर्स हैं तो आई बटन में लिंक है उसको देख लेना। तो जो ये वाला पॉइंट है ये हाइलाइट्स का पॉइंट, तो इसको आपको थोड़ा सा माइनस करना। देन बीच में रहेगा मिड टोन, तो इसका नाम आपको याद रखना। देन उसके बाद यहाँ पर रहेगा शेडो, देन नीचे रहेगा ब्लैक्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, थोड़ा सा। एंड इसको ऐड करने के बाद देखेंगे जहाँ पर ब्लैक का पार्ट है थोड़ा सा फेड हो गया, ठीक है? एंड वो बहुत ज्यादा सेक्सी दिखाई देता है। देन आपको चले जाना है ब्लू में। हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज का वाइब देंगे, ठीक है? तो वो कैसे देखो, तो हम यहाँ पर ऊपर एंड नीचे दो पॉइंट्स ऐड कर लेंगे, ठीक है? नीचे हम पर शेडो में ऐड किया हूँ उसको थोड़ा सा नीचे की ओर लाएंगे, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएंगे, ठीक है? तो हमारा इतना तो खुद का, देन आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग ग्रास में मास्टर हो गए एक बार तो आप आगे चलकर सिनेमेटिक कलर ग्रेडिंग में फुल्ली मास्टर हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर रहेगा बिगनेट्स, तो हम सिनेमेटिक कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं तो बिगनेट्स इंक्रीज करना पड़ेगा। देन आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो मेन चीज है उसको आपको ऐड करना है, वो मैंने भूल गया, वो है सरपेंट। तो आपको सरपेंट को इंक्रीज करना है, ठीक है? सो यहाँ पर सरपेंट को ऐड करने से हमारे वीडियो में काफी हद तक 4K हो जाता है। सरपेंट्स को ऐड करने से वीडियो में एक्स्ट्रा पिक्सल ऐड हो जाता है, उसके वजह से क्वालिटी को होल्ड करके रखता है। काफी सारे प्रोफेशनल एडिटर्स को पसंद नहीं होता है वीडियो एनहेंस करने में, क्योंकि एनहेंस करने के बाद हमारा क्वालिटी के साथ साथ मोशन हो जाता है, एंड उसके वजह से यार तू समझा। देन इसको कलर ना सेव, हजार से भी 30 एंड बिट रेट को पूरा फुल कर देना है, ओके? देन यहाँ पर क्लिक करके सेव कर लेना है। तो गाइस हमारा जो वीडियो है ना वो यहाँ पर ऑलरेडी सिनेमेटिक एंड 4K में हो चुका है, ठीक है? सरपेंट्स को ऐड करने से। एंड काफी सारे लोग सरपेंट को इग्नोर करते हैं, पता नहीं यार वो लोग कब कलर ग्रेडिंग सीख पाएंगे। सो हमारा तो यहाँ पर नेचुरल तरीके से 4K रेट हो चुका है। देन आता है इनहेंस का खेल, वो है हमारा विंकिट एप्लीकेशन। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जाकर आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? तो ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देन यहाँ पर ऊपर में जो 4K सुपर रेजोल्यूशन रहेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो अपना वीडियो सेव किया था उसको ऐड कर लेना है। तो ये जो वीडियो इनहेंसर ऐप है ये काफी हद तक सिमिलर से हमारा विंक एप्लीकेशन से, बट यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ना इसका जो प्रोफेसर से वो भी फ्री में मिल रहा है। एंड इसका एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा वो है इसमें आपको कोई भी VPN वगैरह ऐड नहीं करना पड़ेगा विंक एप्लीकेशन की तरह।